इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ठीक है, सो कदली कंबाइन करते हैं आप टू गैट ए डिजायर्ड वैल्यू. टू गैट ए डिजायर कि मैनू सर्किट के किन्ने ओहम रेजिस्टेंस की जरूरत है ना, पर वो डायरेक्टली अपने को अवेलेबल नहीं है तो आप की करांगे उन्होंने जो अवेलेबल ने उन्होंने कंबाइन इस तरह करांगे ताकि जिन्ना अपन रेजिस्टेंस चाहिए उन्ना बना लिए. और समझ गए ये उही रेजिस्टर्स ने जो आप लास्ट क्लास से गल की है कार्बन रेजिस्टर्स. ठीक है, छोटे छोटे जे सिलेंडरिकल जे कार्बन रेजिस्टर्स. ठीक है, तो जिनी वैल्यू अपन जरूरत है तो आप किमें ऑबटेन करांगे कंबाइन करके ऑबटेन कर लाँगे. समझ गए ना. एक दूसरा अपने को रियोस्टैट भी आता है प्रैक्टिकल डिवाइस है ना, आप जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनावे वो पर तुम शो करा एक्सपेरीमेंटल वीडियोज़ के उपर. रियोस्टैट कद आता है मूवमेंट करते रहने आप रेजिस्टेंस की वैल्यू की होती रहती है इनक्रीज डिक्रीज इनक्रीज डिक्रीज. ठीक है, एक होंगे रेजिस्टेंस बॉक्स की होंगे उस कीज़ होंदिया ने कीज़ रिमूव करी जाओ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है. समझ गए ना गल ये किमें कर रहे हैं आप कि एक फिक्स रेजिस्टेंस अवेलेबल ने पर आप चाहिए कुछ होर है तो आप दोनों की कर देंगे इस तरह कंबाइन करा कि अपने को जिनी चाहिए उन्नी वैल्यू बन जाए. और समझ गए तो इन्हों का बहुत बड़ा रोल है अगर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के. ठीक है, तो की गल कर रहे हैं आप कॉम्बीनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इस अपने को दो ही मैथड ने कंबाइन करन दे रेजिस्टेंस दे केड़ा केड़ा, एक तो सीरीज कॉम्बीनेशन दूसरा केड़ा पैरेलल कॉम्बीनेशन. सब ठीक चल रहा है. ठीक है, सीरीज कॉम्बीनेशन एंड पैरेलल कॉम्बीनेशन. और समझ गए सीरीज कॉम्बीनेशन रजिस्टर का सिंबल की है दिस दिस इज द कॉम्बीनेशन ऑफ सिंबल ऑफ रजिस्टर हैविंग रजिस्टेंस आर हैविंग रजिस्टेंस आर. तो आप की करना है आप की करना है दो या दो तो बाद रजिस्टर्स आप लेने ने उन्होंने की कर देना है कंबाइन. सब तो पहला कॉम्बीनेशन आप कि करा सीरीज कॉम्बीनेशन किड़ा सीरीज कॉम्बीनेशन सीरीज कॉम्बीनेशन. ठीक है, कोई ना थोड़ा बहुत हो रही है वीडियो कोई गल नहीं समझ आ रहा है ना. ठीक है, ये ज़्यादा होगी मैं दस दौ. ठीक है, सीरीज कॉम्बीनेशन च की है भी आप दो या दो तो बाद रेजिस्टेंस आप लेने सीरीज लगा देने है ना. सो कंसीडर ए रेजिस्टेंसिस 1, 2, 3 जिन्हें मर्जी ले लो काट लगा दो सीरीज हैविंग रेजिस्टेंसिस किन्नी है R1, R2, R3 क्योंकि इन्हों का तो रेजिस्टेंस की होंगे हमेशा फिक्स रेजिस्टेंस होंगे. और ठीक है काट लगाने आप इन्हों सीरीज सीरीज मतलब सिंगल पाथ सिंगल मतलब सेम पाथ विद पोटेंशियल वोल्टेज वी दैन करंट स्टार्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव. ठीक है पॉजिटिव टू नैगेटिव तो यू ऑलरेडी नो कि आप एमीटर वोल्टमीटर गलवैनोमीटर की गल कर चुके हैं. एमीटर कद यूज़ करते हैं आप करंट मैजर करने लिए तो हमेशा कार्च यूज़ करते हैं मीटर आप सीरीज कार्च लगाने सर्कट च सीरीज लगाने तो वोल्ट मीटर की मैजर करते हैं वोल्टेज तो वोल्ट मीटर हमेशा आप लगाने पैरल च जिदे क्रॉस वोल्टेज पता करनी होंगी. ठीक है एंड गलवैनोमीटर कद लगाने आप करंट न चैक करने लिए टू डिटैक्ट द करंट कि सर्कट च करंट है या नहीं है बस. और समझ आई गल. ठीक है तो देखो किन्नी अपना रेजिस्टेंसिस किन्ने ने 1, 2, 3 अलग अलग वैल्यू ले ली आप ने तिना मिला के किन्नी वैल्यू टोटल बन रही है वो आप फाइंड आउट कर. ठीक है तो सीरीज विच करंट की रहा भी सेम करंट की जा रहा है सेम. हुण इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग तुहानू पता है रेजिस्टेंस मीनस ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट चार्ज. ठीक है ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट है ना तो करंट नू की कर रहा अपोज कर रहा ना पर यह करंट नू नहीं रोक रहा. देखो करंट थोड़ी सारे सर्कट च किन्ना सारे सर्कट किन्ना करंट जा रहा है आई करंट की जा रहा है सेम जा रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट गल है आपको लगता है कि करंट नू रोक रहा तो करंट घट के आऊगा नहीं है ना रोक रहा तो ये क्रॉस की लॉस होंगे अपने को क्रॉस वी इज इकल टू आई आर के नाल ये क्रॉस की लॉस होंगी है वोल्टेज लॉस होंगी है की लॉस होंगी है
वोल्टेज लॉस, वोल्टेज ड्रॉप होंगी है, समझ आ गई ना गल? ओ ठीक है, समझ गए ना? वोल्टेज की हो रही है ड्रॉप, मतलब इस दे क्रॉस जी वोल्टेज है यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है तो ये क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कितनी होगी वी वन, अलग वोल्टेज ड्रॉप होगी चाहे करंट सेम है, पर वी इजिकल टू, पर वी इजिकल टू आई आर वन, और समझ गए? क्योंकि रेजिस्टेंस अलग, करंट चाहे सेम है, वोल्टेज ड्रॉप की हो रही है अलग हो रही है, डिफरेंट हो रही है, समझ गए ना? सो इन वोल्टेज लॉस क्या जाता है, सेकंड की है उरे वी इजिकल टू वी टू इजिकल टू आई आर टू, वी थ्री इजिकल टू आई आर थ्री, ठीक है? तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की है डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, समझ आया नहीं कल? ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितनी है अपनी, टोटल वोल्टेज कितनी है वी, तो आप लिख सकते हैं वी जी वोल्टेज है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वल होगी जी वोल्टेज आप सप्लाई की है, तिना भी क्रॉस की हो जूगी डिवाइड, होगी कि नहीं डिवाइड, कि डिपेंड करती है जिहड़ा रजिस्टेंस है, जिहदा रजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप भी की होगी ज़्यादा, समझ गए ना गल? तो टोटल इफ कंडीशन एक है ये इक्वल होगा जे अपनी कोई इलैक्ट्रिक एनर्जी हुई है, वोल्टेज दे रहे हो इलैक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलैक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, कंडीशन एक है भी कोई इलैक्ट्रिक एनर्जी अपनी लॉस नहीं हो रही, कोई लॉस नहीं हो रही, जिनी आप इलैक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं सारी सारी तिना के क्रॉस की हो रही है डिवाइड हो जा रही है, मतलब कोई हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही, कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही, कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो रही, इलैक्ट्रिक एनर्जी सारी गिवन इलैक्ट्रिक एनर्जी तिना च की जा रही है डिवाइड हो रही है, और ठीक है ओके okay. तो तिना कंबाइन करता आप फॉर्मूले अपने को है गए, देखो आई आई कॉमन ले लो तिना की वैल्यू पुट करके आर टू प्लस आर थ्री, समझ आ गई इंडिविजुअली आई कॉमन ले लिया क्योंकि करंट की है सेम इन सीरीज, ए की है टोटल नेट वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज कॉम्बीनेशन एस पालो इतने है ना, क्योंकि पैरलर भी करना आपको समझ आ जूगा सीरीज कॉम्बीनेशन की वोल्टेज, अच्छा सीरीज वी इजिकल टू की लिखोगे फिर तो फिर आई आर पाऊंगे, कोई आई आर पाऊंगे, आई तो फिर सेम है, आर केड़ा आ गया हूँ नैट इफेक्टिव टोटल इफेक्टिव कह लो इक्वलेंट कह लो नैट रजिस्टेंस कह लो सीरीज रजिस्टेंस कह लो कोई भी नाम नाल कह सकते, समझ गए ना? तो आई ना आई की हो जूगा कैंसल, तो सीरीज कॉम्बीनेशन का रजिस्टेंस कि आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है? ये उपर जो नुमेरिकल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट नुमेरिकल्स ने, ठीक है आपू पहचानना पेगा सर्कट बहुत कंपलैक्स तो कंपलैक्स आने आप देखना पेगा किज ने तो कि पैरल्स ने, जोड़े सीरीज ने अपन डायरैक्टली की कर देंगे एट, जो मान लो ये टू ओम है ये फोर ओम है ये एट ओम है कि बन गया टोटल फोर्टीन ओम, समझ गए ना? और समझ आई? बस तिना को करंट की होना चाहिए सी, दैन दे आर इन सीरीज, एको चीज़ तो पहचान रख लो आप करंट तो, समझ आई गल? क्योंकि अगे जाके आप किरचॉफ लॉ भी करने ने, किरचॉफ लॉ की है ओहम्स लॉ की एक्सटेंशन है, थोड़े अगे उन्होंने होर वधा देंगे, तुम आह चीज़ तो पढ़ी हुई है पहला टेंथ क्लास, ठीक है पर आप थोड़ा जहा एडवांस क्लास आ गए प्लस वन प्लस टू, तो आप थोड़ा जहा की करा एक्सटेंड करा टॉपिक नूं, क्या टॉपिक आऊगा वह किरचॉफ लॉ, समझ आ गया सीरीज कॉम्बीनेशन? सैकेंड कि अपने को पैरलल कॉम्बीनेशन, देखो पैरलल कॉम्बीनेशन की करना है, आप पैरलल कॉम्बीनेशन किन्ने भी रजिस्टेंस लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आर वन आर टू आर थ्री सप्लाई की है पोटेंशियल कितना भी वी वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव करंट स्टार्ट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो जिन्ना करंट जा रहा है उन्ना ही करंट आऊगा, ए पॉइंट ले तुसी ले लो ए, इनू पॉइंट ले लो बी, कुछ समझन दे लई इतों ए नहीं, ये देखो टॉपिक बहुत बेसिक है तुम्हें पहला ऑलरेडी आंदा है पर तो समझना की है आप भी सीरीज किमें है पैरलल किमें, ठीक है तो देखो की है करंट जो जा रहा है, देखो
पॉजिटिव टू नैगेटिव ए पॉइंट ते आन तो बाद करंट दे रास्ते किन्ने बन गए, तीन रास्ते बन गए ना। हुण तुसीं आप सोचो, तुहानूं पता है रेजिस्टेंस अगे लगे हुए ने, अगे बैरीयरस लगे हुए ने करंट नूं रोकण दे लई, अपोज करन दे लई, तां करंट बै जिहड़ा सब तो वध अपोज करूगा उधर कट जाऊगा ना, संद कट करूगा है ना। तो जिहदा रेजिस्टेंस सब तो घट होगा उधर करंट की जाऊगा ज़्यादा जाऊगा, तिना को करंट थोड़ा थोड़ा वो जाऊगा कि नहीं जाऊगा, जाऊगा। पर जिस बैरीयर ज़्यादा होया वो को करंट की जाऊगा घट, दूजे को करंट की जाऊगा ज़्यादा। जे इक्वल वैल्यू है रेजिस्टेंस की तो करंट इक्वल ही जाऊगा, बराबर बंडे जाऊगा तिना च। वो यह जो नमेरिकल्स आने अगे जो करने ने आप समझ गए गल, इतों करंट जा रहे हैं। देखो कुछ करंट किधर चला गया, टू वर्ड्स आर वन उन्होंने आई वन ले लिया, टू वर्ड्स आर टू उन्हू आई टू उन्हू की ले लिया अपने आई थ्री। हूँ इतने की है डायग्राम साफ देख सकते हो, इधर करंट की सीगा सेम, करंट की सी पोटेंशियल की सी डिफरेंट, इस करंट की है डिवाइड पोटेंशियल रिमेनज सेम। क्योंकि देखो तिना दे टर्मीनल्स नू, तिना टर्मी इतने मैच कर रहे हैं ना, तिना टर्मीनल पोटेंशियल की जा रहा है सेम जा रहा है यार। एदा इधर एक पॉजिटिव दूजा नैगेटिव पोटेंशियल वी, पॉजिटिव नैगेटिव पोटेंशियल वी, पॉजिटिव नैगेटिव पोटेंशियल वी, तिन्हों सेम पोटेंशियल जा रहा है। वो इतने की सी एदा पॉजिटिव नैगेटिव नू, एदे पॉजिटिव नाल कनैक्टड सी, डायरैक्ट वी नाल कनैक्टड नहीं सी। वो समझ गए गल, तो इतने की है किहड़ा कॉम्बीनेशन है, ये पैरलल कॉम्बीनेशन। वो ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंट सेम, वोल्टेज सेम करंट डिफरेंट, तो किहड़ा कॉम्बीनेशन है वो पैरलल कॉम्बीनेशन। ठीक है, तुसीं जे हुण करंट मैजर करना है, एमीटर कित्थे लगाओगे, सीरीज़ च, कित्थे लगाओगे सीरीज़ च, इत्थे लगाना पै गया, कितें भी लगा दो एनी वेयर, सारे ही सीरीज़ है। देखो वो सारे एक ही पाथ है, कितें भी लगा दो। ठीक है, पर जे गल करिए आप एस मैं वोल्टेज चाहिए है, वोल्टेज चाहिए है, तो वोल्टेज आही वोल्टेज है ना, तो वोल्टमीटर कार्ड लगाओगे पैरल, की करोगे वोल्टमीटर पैरल कनैक्ट करोगे। ये आप थोड़ा अगे वध गए होर। ठीक है, इधर जो मैं मैंने चाहिए है तिना क्रॉस वोल्टेज की है सेम सेम सी ना, तो पैरल कितने भी ला दो सेम वोल्टेज आऊगी। इस की है ये क्रॉस वोल्टेज अलग है, यदि अड्ड है, यदि अड्ड है ना, यदि वोल्टेज मैंने आर वन की वोल्टेज चाहिए है, तो वोल्टमीटर कितने लावे, यदा पॉजिटिव यदा नैगेटिव नाल की ला दो वोल्टमीटर, वोल्ट वोल्टेज की आऊगी कल्ली आर वन दे अक्रॉस वोल्टेज आऊगी कल्ली ओनली। और समझ गए, इतने पैरल कित मर्जी ला दो सारे की वोल्टेज सेम है, समझ गए ना। पर इतने जो करंट अलग अलग मैजर करना है, यदा करंट कितने लगाओगे, एमीटर इतने लगाओगे, ये इतने लगाओगे, ये करंट अलग अलग मैजर करने ली। और समझ आ गया, चलो यदा एक्सप्रैशन देखो की है, फिर इतने की डिवाइड हो रही है, वोल्टेज सेम है ना, डिवाइड की हो रहा है करंट आई इजिकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, जी टर्म डिवाइड हो रही है वो कंसिडर कर लो। आई का फॉर्मूला वी इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू वी पॉन आर वन। देखो वोल्टेज की है सेम, वी पॉन आर थ्री, इधर की आऊगा वी पैरल अपॉन आर पैरल है ना, वी सेम रख लो, वी ना वी की हो जूगा वन पॉन आर, रेजिस्टेंस इन पैरलर कॉम्बीनेशन कि आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। लो जी ये पैरलर कॉम्बीनेशन का की आ गया थोड़े को फॉर्मूला, समझ गए ना। yes, समझ आया कुछ? yes, पक्का क्लियर? yes, yes, अच्छा एक चीज़ तुसी और देखो, हूँ एक चीज़ होर देखो ध्यान ना, जे आप सीरीज़ कॉम्बीनेशन के रेजिस्टेंस हमेशा जो फाइनल रेजिस्टेंस आऊगा दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ऑल वैल्यूज, ऑल इंडिविजुअल वैल्यू तो हमेशा की आऊगा और ज़्यादा ही आऊगा, ज़्यादा ही आऊगा। किवें देखो जी तिना तो देखो दो चार छे तिने वैल्यूज तो की आऊगा, बारह आ गया ना, ये बारह दो चार छे तो की है बड़ा ही है तेरी, जिनी भी सारिया चो जी सब तो बड़ी वैल्यू है वो तो भी बड़ा होगा। ठीक है, एच की है पैरल रेजिस्टेंस की हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, समझ गए ना। जी इन्हों तिना चो समोलैसट वैल्यू है की है, समोलैसट वैल्यू है, जिमें आप दो कि एग्जाम्पल लिए आप दो चार छे लिए ना, टोटल कि आ गया
सीरीज़ का किन्ना आ गया 12, तो 12 ओम थोनों पता 2, 4, 6 इन्हों नालों की है ज़्यादा। इतने 2, 4, 6 पुट करके देखो थोड़ा जिहा रेजिस्टेंस आऊगा, सब तो लोवेस्ट वैल्यू कि है 2, 2 नालों भी घट आऊगा, तो यह रेजिस्टेंस सीरीज़ का टोटल नैट इफेक्टिव इक्वलेंट रेजिस्टेंस जोड़ा आऊगा ऑलवेज ग्रेटर दैन द लार्जेस्ट वैल्यू। पैरलर च नैट इक्वलेंट सारा रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लैस दैन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू तो भी होर छोटा होगा। समझ आ गया? यद मतलब जो आप रेजिस्टेंस न इनक्रीज करना है, जो अपन चाहिए वा वा हैवी रेजिस्टेंस चाहिए, आप करा रेजिस्टेंसिज न सीरीज लगा देंगे। जे आप रेजिस्टेंसिज घटाने ने पर डायरैक्टली अपने को रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं हैगा तो आप करा पैरेलल चला देंगे। और समझ आई गल? पक्का सीरीज कॉम्बिनेशन सारा समझ आ गया? ठीक है, चलो नैक्सट क्लास आप कुछ न्यूमेरिकल्स करा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थैंक यू।